और आपके मुजफ्फरपुर से, तो मेरा तो विशेष लगाव है आज से नहीं, कितनी बार हम आए। अब 2005 में जो हम लोगों ने अभियान चलाया सरकार बनने के पहले और उसके बाद सरकार बना, तो हम कभी भूलेंगे मुजफ्फरपुर में किस तरह से एक एक रास्ते पर सारे मुजफ्फरपुर के लोग खड़े रहे और किस तरह से लोगों का सहयोग और समर्थन मिला। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और यहां पर कई साथियों ने अपनी बात कही और सबसे पहले 5 बहनों ने जो अपना अनुभव साझा किया और एक एक बात बताई, कितना बढ़िया ढंग से अपनी बात को रखा, इसके लिए हम विशेष तौर पर उनको हम बधाई देते हैं कि सब कुछ अपने अनुभव को आपने साझा किया। और हमारे अधिकारियों ने बात की, हमारे माननीय मंत्रीगण ने अपनी बात कही है, और जो मकसद है आप सबको पता है, और जो हम लोगों ने समाज सुधार अभियान चलाया है तो आप सबको मालूम है कि आखिरकार हम अगर सिर्फ विकास का काम करेंगे तो उससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया हम लोगों को, 24 नवंबर 2005 को हमने शपथ ग्रहण किया था, और उस समय तो बीच में हमने 9 महीना छोड़ दिया था, लेकिन फिर हमको वापिस आके काम करना ही पड़ा। तो आप लोगों ने जब से मौका दिया तब से हमने आपकी सेवा की है, और शुरू से ही जो भी विकास के लिए काम हुआ है और उसके साथ साथ जो हम लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि हम आगे विकास करेंगे, तो अगर समाज के सुधार के लिए काम नहीं होगा तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने इस चीज पर काम शुरू किया, और समाज में जो सबसे पीछे पड़े हुए थे, समाज के उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, यानी इस प्रकार से जो किनारे पर रहने वाले लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल की गई। हर चीज को आप जानते हैं, और आपके मुजफ्फरपुर से तो मेरा तो विशेष लगाव है आज से नहीं, कितनी बार हम आए। अब 2005 में जो हम लोगों ने अभियान चलाया सरकार बनने के पहले और उसके बाद सरकार बना, तो हम कभी भूलेंगे मुजफ्फरपुर में किस तरह से एक एक रास्ते पर सारे मुजफ्फरपुर के लोग खड़े रहे और किस तरह से लोगों का सहयोग और समर्थन मिला। कि उसके बाद 2005 में ही काम करने का तब से मौका मिला, तो हम तब से तो काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में तो काफी काम, बहुत चीजों का, मुजफ्फरपुर तो एक खास जगह है और इससे जुड़ा हुआ समूचा ये चारों जिले हो, चाहे सीतामढ़ी शिवहर हो, वैशाली हो, सबका महत्व है। तो आज एक साथ जो बैठ रहे हैं यहां, और हम नहीं कभी भूल सकते।